स्टॉक चीनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं टावर स्टॉक के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 21 अप्रैल के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की। जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ आप देखेंगे धीरे धीरे तेज़ी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। 553 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। डेली चार्ट बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, स्टॉक ने कई बार एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाया। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ऊपर की तरफ 575 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक स्टॉक इसको ब्रेक नहीं करेगा कोई भी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए बात करते हैं सपोर्ट की, तो नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेकर चल सकते हैं और ये सपोर्ट है 538 रुपीज़ का। और हमने जो आपको रेजिस्टेंस बताया है दोस्तों, उसके ऊपर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके निचले लेवल पर आपको वेट ही यहाँ पर करना पड़ेगा। बात करें टारगेट्स की, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ तेज़ी बरकरार होती है तो नेक्स्ट टारगेट जल्द ही स्टॉक अचीव करके दिखा सकता है। 580 का टारगेट तो ऊपर की तरफ, 580 रुपये का टारगेट लेकर चल सकते हैं डाबर के अंदर। तो ये होने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनका आपको ध्यान रखना है और आप चाहें तो अपनी खुद के एनालिसिस, खुद की रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।